दगड़ियो गुड मॉर्निंग। पहला कैसा आप सभी लोग, आई होप किसी बड़े यूंगे। तो दगड़ियो मैं विशाल रावत उत्तराखंड अल्मोड़ा से स्वागत करता हूँ आपका एक और नए ब्लॉग में। तो फिलहाल दोस्तों सुबह सुबह उठ गया हूँ मैं, और यहाँ पर दोस्तों आज हमारे गांव वाले चूड़ कूट रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अब दीपावली अगले हफ्ते है, है ना। तो एक हफ्ता है दोस्तों आप दीपावली के, तो एक हफ्ते पहले से ही दोस्तों यहाँ पर हमारे गांव वाले आप चूड़ कूटना शुरू कर रहे हैं। तो आज शुरू में दोस्तों सुबह सुबह यहाँ पर लली और कूट रहे हैं, अभी सबसे फर्स्ट में आज ये कूट रहे हैं अभी सुबह के टाइम में। बाकी शाम को शायद और भी लोग कूटेंगे, हम भी कूट सकते हैं आज शाम को। भुल्ले ललिया भुल्ले या शाला चूड़ जड़जुबे लगी शाला, तू भुल्ले जा तू घर भी जड़जे कही तू मीत चुकी मगिन सा जा रहा घर रोन है पक्के करी पा आप घर बन के होने तो अच्छा अब डबल डबल नोने बने यार इसी भुन भेज। दोस्तों चूड़ो को खाने तक की विधि बताता हूँ मैं। पहले ना धानों को चार दिन तक भिगाना पड़ता है, चार रात। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो काम चल रहा है। पहले क्या, पहले जो अभी ना ठंडे हो रखे हैं और गीले भी हो रखे हैं, पहले इसको भुनना पड़ता है। जैसे ही भुन जाते हैं फिर उखो में गर्मा गर्म इसको कूटना पड़ता है। फिर उसके बाद दोस्तों फटकना पड़ता है, फिर खाना पड़ता है। और चन्ने घाण अलग बढ़ू दगड़ियो, चिलना घाण अलग बढ़ू चूड़ खाण में अल जैसी सब कूटी जानने। चिन्नक अलग होल और चन्नक अलग होल है ना ताई जी, मतलब चिन्नक अलग चन्नक अलग, मतलब के हिसाब होने में पहली चेली खाने में पहली चाल अच्छा पहली चाल फिर चिन्न घाण अच्छा है अच्छा ठोल और संधि नौकरी में ही ऐसी भाव है जड़ जी ऐसी साल जा ऐसी भाव है बेचारा इधर जल्दी कहीं भेजने हैं नौकरी कौन उम्र तो हूं दे देखने है तुयो नौकरी में भेजो कौन है तुयो इधर जल्दी पटी और ओ आप बेरे नौकरी करो जी तू बेरे तो खाची बिहार उधर बोल अरे भाग रोज ना रे हम ना पढ़ो तो बहुत ठंडी है जिले यार नौकरी करते हैं मैंने को यदि साल है जाग है भाव है माला कत्ती ना कत्ती ले डालियो माला का मन लागो भगवान कमरे तू काम करने वाला आदमी मामा कमरे बैठो मन लागो निशास तो बाहर लागले तो परेशान जब तो ना परेशान है रे जड़ जी बैग परेशान है डाको जड़ जी अभी भेज लिया है लल्ले क्या हूं दियो जगह आदि के लिए हूं दियो फिर आराम से आया बिटानिया में लगा दिन ताई रुद्रपुर ये देखो गर्मा गर्म देखो अभी ऊपर को भुन रहे ने, अब पूरा गर्मा गर्म इसको उखो में डालेंगे और अब फटाफट ये देखो कूटना शुरू खला हाँ चूड़ गो है हो मल खून तुला खाला ने हो दद्दा खाल पे हो तुला खाल हम मस्त खून हाँ तुरो मस्त खून हाँ इनको कम कम दून हाँ हाँ हो हमको दुख खून दुख को दुख हथेल बता कदू खून ये दुख हो मला हथेल खून
ये है घी और दूप। अच्छा घी इसमें डालना पड़ता है ना। और तसले में देखो दोस्तों कितना बर्बाद हुआ आ रहा है ये भुन भुन के ना, ये खिल आधे जो बन के आ रहे हैं ऊपर को, ये देखो ये अभी एक डेढ़ कटोरा तो बर्बाद ही निकलेगा इससे। और जिससे ललिए घुमा रही है ना ये छो दगड़ियो बाजूरा लौकड़, और ये नीचे से इसकी जड़ें हैं पूरी फैली हुई ना, तो इससे घुमाने में ये कम्फर्ट होता है। हम दोस्तों चूड़ों को इसलिए कूटते हैं क्योंकि हमारा भी ये त्यौहार होता है भगवाओं का। भगवाओं का त्यौहार उस दिन मनाया जाता है जिस दिन भैया दूज होता है दीपावली के एक दो दिन बाद दोस्तों, तो उस दिन हम चूड़ों को सर में रखते हैं और पूजते हैं। जैसे दोस्तों हरेले का त्यौहार होता है हरेले को सर में रखते हैं, वैसे ही चूड़ों को भी सर में रखा जाता है। गुड मॉर्निंग कैसन बा, हाथ मुंह धो लिया? अब नहाओगे तो अगले महीने ही दिसंबर में। ओ माई गॉड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर यू आर बाथिंग टूडे नॉट अगले मंथ। अरे गजब यार टोपी। तो आज गोपाल भाई और कमुआ दोनों जा रहे हैं दोस्तों ग्वाला, और गोपाल भाई के हाथ में डंडा भी देखो आप। अच्छा सारू भी आ रहा है। अच्छा अच्छा थोर का कपड़े पहरे आए ली आमल आपू बनीन पहरा रहे यार थोर का, ये देखो अमर बनीन पहरे तील कितना प्यारा है यार देखो। दोस्तों मेरे पापा गए चांदनी लोगों का खेत जोतने के लिए, तो कल हमने तलछारी वाले खेत तो जोत दिए थे, लेकिन आज पापा वहाँ पर फिर से मशीन को लेकर चले गए हैं उनके खेत को जोतने के लिए चांदनी लोगों के खेत। यहाँ पर देखो हमारी बढ़िया ये सूख रही है, ये देखो अब इनमें हल्का हल्का ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है, और अभी तो इतनी कड़कड़ी नहीं हुई है, अभी थोड़े दिन और लगेंगे दोस्तों, 3-4 दिन का टाइम और लगेगा इनको सूखने में। मम्मी भी आ गई दोस्तों घास काट कर, ये देखिए आप, और बाकी आप बगल में चाची लोग भी कूटने लग गए यहाँ पर चूड़, ये अब भुन्नी। चलो दांतों को ले जाओ तुम और मैं मशीन लाता हूँ। तो चाची तो दांत लेके चले गए दोस्तों, चलो एक एक काम हल्का कर दिया चाची ने, इनरा गाड़ दिया बाणछी। तो मशीन पहुंचा दिए दोस्तों यहाँ पर ये तलछारी वाली क्यारी में। तो इस खेत में हमारी पूरी लाही लाही लग रखी है देखो यहाँ पर, ये हमारा है दोस्तों ये, अब हम टपकी टपकी खाएंगे ठंडियों फर्स्ट क्लास करके, लाही की टपकी है देखो हाँ कितनी बढ़िया लग रखी है ना। पर जीनी तो नहीं आए हो, ये ठुल्ली है क्या आ रही हो? पर लेकिन जीनी चल पे हो आयल तो नहीं जीनी, लेकिन खाना खाना फिर कुछ टाइम में लास्ट लास्ट में फिर जीनी फैल चले हो। चलो कई बात ना भाई ले ते भाई। और ये है मेरी घाण, ये चूड़ की मतलब चूड़ा घाण मतलब अमो ये का क्यों नहीं संधि अमो चूड़ को ना ना जो आम जो चला घाण उन्हें ये क्या को नहीं संधि घाण ने और ये ढुल घाण ये चिन्नक वे इन्हें दिया। अरे आप हम लोग कुटर भेज गया चूड़ो मम्मी, ये देखो दोस्तों हमारे छपेरियो सबसे ठूल छपेर हमारी चुगो में, और सबसे ज्यादा चूड़ला हमें कुटनी है आज फिर हमारे बहुत कम चूड़ हल लिया। हाँ वैसे भी अब ज्यादा खाने वाला भी कोई नहीं है ना, मैं ही ज्यादा नहीं खाता, पहले से मैं भी बहुत खाता था दोस्तों चूड़, लेकिन आजकल मैं भी कम ही खाता, तो मम्मी ने इस साल कम ही डाल रखे हैं, इतने भी बहुत है वैसे मान ले। यो चिली ना खान कहा चाबी
दोनों साइड में यहाँ पर चाह पीते हुए चरण ना बगल में दोनों स्टैंड बैग चाह पीते हुए चरण छक्का मार दे बोंडी में रोगा ठड़े थी गुड़ है कि कट्टे का सुनवा भूजे नहीं को जाएगी डॉक्टर ने भूजे अब यार कोरे नहीं है कब करोगे कल इतने ही है और हैं कितने चार और ये पांच नौ भूजे बढ़िया यार खराब नहीं निकलेंगे तो इसमें छोटे छोटे हैं भूजे अभी छोटे छोटे हैं हमारे पास छोटे अब के साल हमारे पास भूजे नहीं थे छोटे छोटे मोटे मोटे तो ज्यादा मगन नहीं सुनाई भूजे 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 छोटे छोटे मोटे मोटे बोल रहा हूँ भूजे मैं भूजे की बात कर रहा हूँ ना आज चाची लोगों की इतनी गोहत की दाल हो रखी है ये है ना जितनी भी खेत से निकाली दोस्तों गोहत की दाल टोटल मिला के इतनी हो रखी है और यहाँ पर इनकी खुशैनी और ये इनकी गडेरी टोटल ये भी टोटल ये गडेरी भी भूड़े इतनी है जी थोड़े शव है अच्छा भूड़े इतने हैं शव अलग है मतलब अच्छा चलो भूड़े हो जाते तो मान ले ये भूड़े भी कितने अच्छे हैं छोटे छोटे मोटे मोटे देखो ये हर चीज छोटे छोटे मोटे ही मोटे हो रहे हैं तुम्हारे ये देख रहे हो आप ये देखो ये दोस्तों आज मम्मी ने ना पापा का स्वेटर पहन लिया आपको दिखाऊं तो पापा ने दोस्तों परसों ही ले रखा है स्वेटर अभी तक पापा ने खुद नहीं पहन रखा है दोस्तों मम्मी ने टेस्ट कर लिया यहाँ पर देखो आप ये कैसा लग रहा है बढ़िया तो लग रहा है अच्छा लग रहा है यार पापा की वैसे चॉइस बढ़िया है ना कलर के मामले में हाँ मतलब पापा ना पर्सनैलिटी के हिसाब से दोस्तों कपड़े अच्छे चूज करते हैं और मम्मी भी तो उनसे भी अच्छा कर लेती है और ज़्यादातर कपड़े मेरे लिए मम्मी लाती है मैं तो आज तक अपने लिए कपड़ा कभी भी नहीं लाया तो मम्मी लाई है या पापा ही लाए हैं और ये देखो आज मम्मी ने पापा का स्वेटर पहन लिया ये ओ बाबा सितारे भी वही है वही ये चांद भी है अगर अब रोशनी है कल से कुछ ज्यादा कितने